हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता आज आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट थर्ड पर लेकर जाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोगों ने यह पढ़ा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। ऑलराइट, और कंपैरिजन हम लोगों ने किया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम आईआर रेडिएशन इंफ्रारेड को जब हम किसी मैटर पर डालते हैं तो वहां पर किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक प्रकार की वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो वहां पर हमारे मैटर में कुछ वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं। वो वाइब्रेशनल चेंजेस कैसे होते हैं, मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया था कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक रिपल्शन भी होता है, और दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन्स और उनके उनका जो न्यूक्लियस है अपोजिट चार्ज के कारण उनके बीच एक अट्रैक्शन भी होता है। तो रिपल्शन अट्रैक्शन इसके कारण वो एक उनका जो रेडियस है वो आर इक्वी मीन्स एक उनका रेडियस वो एक ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं। ऑलराइट, इसको मैंने फिर और आपको बताया था कि वाइब्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था स्ट्रेचिंग होती है जिसमें लेंथ चेंज होती है लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं होता। और दूसरे ने बताया था वैगिंग, वैगिंग के बारे में, वैगिंग कह लेंगे उसको, बेंडिंग भी कह सकते हैं, वो भी कई प्रकार के होती है, इन प्लेन आउट ऑफ प्लेन। ऑलराइट, सो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोगों ने आईआर का जनरल पढ़ा। हम लोगों ने यह देखा कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर के द्वारा कैसे वाइब्रेशनल चेंजेस होते, क्यों वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं जबकि यूवी विजिबल लाइट पर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ऐसा होता है। ऑलराइट, अब आज इस पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे वर्क करता है, उसका पूरा एक एक स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। तो इस स्टेप को पढ़ने से पहले जरा सा हमें आप लोगों ने जब्लॉन्स्की डायग्राम के बारे में जरूर सुना होगा, थोड़ा सा हम लोग कुछ जनरल टच लेने वाले हैं उसका, क्योंकि उसको पढ़ना समझना थोड़ा सा जरूरी है। ऑलराइट, मैं शॉर्ट उसको बताने वाला हूं जल्दी से कि जैसे ऑलराइट ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऑलराइट, ये हमारा सेकेंड सेट स्टेट, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब कोई भी जो हमारा चार्ज मॉलिक्यूल है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो पहले से भी ग्राउंड स्टेट में है, ऑलराइट, तो अगर इस पर हम कोई रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन क्योंकि जब हम अपने मैटर पर जब हम रेडिएशन डालेंगे तो चूंकि आपको भी ये बात पता है कि मैटर पर जब रेडिएशन पड़ेगा तो वहां पर कुछ चेंजेस होंगे। ऑलराइट, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन के पड़ने पर कुछ वाइब्रेशनल चेंजेस इसमें होते हैं। हम उनकी बात करें कि जैसे ही हम इस पर कोई रेडिएशन डालेंगे, चूंकि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में भी हमारे होते हैं कुछ वाइब्रेशनल स्टेट, ये हमारे वाइब्रेशनल स्टेट, और हर वाइब्रेशन ये हो गया हमारा वाइब्रेशनल स्टेट फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में भी कुछ हमारे रोटेशनल स्टेट होते हैं। और स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया जब लॉस्ट डायग्राम आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा होगा। ये हमारी जो स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में कई वाइब्रेशनल स्टेट्स होते हैं और वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीचों बीच कुछ रोटेशनल स्टेट्स हैं, जहां पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट, उनका फ्लो, शिफ्टिंग उनकी होती है। अब यदि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स पर यदि हम यूवी या विजिबल लाइट यदि हम इंसिडेंट करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा ये सीधा हमारे एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएगा। ऑलराइट, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचने के लिए हमें अपने जो हमारा जो मैटर है हमें उस पर हाई एनर्जी देना पड़ेगा। तो हाई एनर्जी किस पर है, किस रेडिएशन पर, जिसकी वेवलेंथ कम है। तो यूवी विजिबल की वेवलेंथ कम है इसलिए उसमें एनर्जी ज्यादा है। तो यदि हम इनमें यूवी विजिबल के लिए हम डालते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से सीधा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। लेकिन अब यदि हम बात करें कि हम अपने उसी मैटर जो हमारा सैंपल है यदि उस पर हम
हम इंफ्रारेड रेडिएशन डालते हैं आईआर, आईआर की रेंज हमने आपको इसके फर्स्ट वाले बताया था। यदि हम आईआर को डालते हैं तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने की बजाय या तो फर्स्ट वाइब्रेशन स्टेट पर जाएगा या फिर सेकंड वाइब्रेशन स्टेट पर जाएगा। वाइब्रेशन कैसे होता है मैंने आपको पर सेकंड बताया था, कितने टाइप के हैं, स्ट्रेचिंग वेगिंग कैसे होता है, बॉन्ड एंगल, डिस्टेंस लेंथ, मैंने सब कुछ आपको बताया पार्ट सेकंड में, हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, तो यूवी विजिबल देने पर हमारा इलेक्ट्रॉन सीधा एक्साइटेड स्टेट पे जाता है और आईआर रेडिएशन देने पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो मैटर है वो हमारे वाइब्रेशन स्टेट पे जाता है फर्स्ट सेकंड इस प्रकार, चूंकि कई वाइब्रेशन स्टेट होती है वहां पर, ठीक है। तो इसको जानना एक तो जरूरी है, तो ये बात यहां पर फिक्स हो गई कि यदि हम अपने सैंपल पर कोई आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन यदि हम इंसिडेंट करते हैं तो हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारा सैंपल का जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर नहीं होगा बल्कि वो ग्राउंड स्टेट से वाइब्रेशनल स्टेट पर होगा। और यही जो वाइब्रेशनल चेंजेस हैं हमको इन्हीं की स्टडी करके हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। हम इस टेक्निक में वाइब्रेशनल चेंजेस की ही स्टडी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम पूरे वाइब्रेशन स्टेट्स की, पूरी वाइब्रेशनल चेंजेस की स्टडी कर रहे हैं कि हमारे मैटर और रेडिएशन के बीच इंट्रैक्शन होने पर जो वाइब्रेशनल चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी करके हम अपना काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स को, और भी जो हमने एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट में बताए थे उनकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ऑलराइट, वर्किंग में जल्दी से पास आता हूं कि ये हमारा हो गया एक रेडिएशन का एक सोर्स। ऑलराइट, रेडिएशन के सोर्स में हम यहाँ पर नर्स ग्लोवर लैंप को यूज कर पाते हैं। नर्स ग्लोवर लैंप क्योंकि वो भी एक हीटिंग रॉड के उसमें काम कर रहा है, हाई टेम्परेचर पर गर्म होता है, इंफ्रारेड रिलीज करता है, ठीक है। अब ये हमारा है सैंपल, ये हमारा है सैंपल मैटर, यहां से हमारी निकली रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? इंफ्रारेड, क्योंकि हम लोग आई एस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, हम लोग इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज कर रहे हैं। ये रेडिएशन हमारी पड़ी मैटर पर, हमने सैंपल के रूप में यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा, ठीक है। अब हमको यहां पर थोड़ा सा जल्दी फास्ट चीजों को समझना है कि जैसे ही रेडिएशन हमारे इस सैंपल पर पड़ेगी, आप गौर करिए यहां पर कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है डबल बॉन्ड और कार्बन डबल के बीच है सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चूंकि आईआर मैंने आपको बताया था कई वेवलेंथ की लाइट इनमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, बंडल से एक पैकेज है पूरा, कई वेवलेंथ की लाइट इनमें प्रेजेंट है। तो अब सोचिए कि अब हमारे मैटर और रेडिएशन के बीच जब इंटरेक्शन होगा, तो मैंने आपको बताया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं। वाइब्रेशनल चेंजेस मतलब यहां पर या तो स्ट्रेचिंग होगी या फिर वैगिंग होगी, जिसको बेंडिंग भी हम लोग कह सकते हैं, इससे पहले हमने बताया था, या तो स्ट्रेचिंग या तो बेंडिंग। अब आप सोचिए कि कार्बन ऑक्सीजन ये जो डबल बॉन्ड है इसको वाइब्रेट करने के लिए अगर हमको 2 हर्ट्ज की एनर्जी वाली रेडिएशन चाहिए, ऑलराइट। तो यदि हमारे इसको एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, फिर समझिए ना कि जैसे हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, अगर इसको वाइब्रेट होने के लिए, अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है, अगर हमको इसको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होना चाहिए, तो स्ट्रेचिंग के लिए अगर इसको 1 हर्ट्ज की आवश्यकता है, ऑलराइट, सो माफ कीजिएगा 2 हर्ट्ज, एक एग्जांपल रूप में 2 हर्ट्ज यदि हम ले रहे हैं, तो आईआर से अगर 1 हर्ट्ज की लाइट निकलेगी, समझिए चेंजेस के लिए कितना चाहिए, 2 हर्ट्ज, निकल कितनी रही है 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहां पर लाइट का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसके बाद हमारे यहां पर लगे होते हैं डिटेक्टर। सैंपल को वाइब्रेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 हर्ट्ज की, अभी कितनी मिल रही है 1 हर्ट्ज। तो यहां पर जो हमारा आईआर स्पेक्ट्रा बनेगा ये नीचे हो जाएगी हमारे वेव मीटर, ठीक है, यहां पर हमारी एक रेंज हो जाएगी एक्स एक्सिस, यहां पर जाएगी हमारे ट्रांसमिटेंस, ये हमारा ट्रांसमिटेंस हो जाएगा, वेव मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमने दिया 1 हर्ट्ज, जरूरत कितनी है 2 हर्ट्ज की, तो हमारा सैंपल इस 1 हर्ट्ज
का जो रेडिएशन है इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और यहां पर ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100, ये ट्रांसमिटेंस को बता रही है यहां पर, ठीक है। अभी 1 हर्ट्ज की लाइट पूरी गुजर गई, क्योंकि चाहिए कितनी 2 हर्ट्ज की और निकली कितनी 1 हर्ट्ज की, तो यहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो यहां पर 100% ट्रांसमिटेंस सीधी चली गई, लाइन हमारी सीधी गई। अब जब हम इसको बदलकर 2 हर्ट्ज की दिए, तो 2 हर्ट्ज की लाइट यहां पर निकल भी रही है और वाइब्रेशनल चेंजेस के लिए 2 हर्ट्ज की आवश्यकता भी है, तो 2 हर्ट्ज इसको चाहिए, 2 हर्ट्ज मिल भी रही है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो ट्रांसमिटेंस होगा वो काफी डाउन हो जाएगा, तो यहां पर हमारी पी नीचे की ओर चली जाएगी, अरे नीचे जाकर वापस से ऊपर, ठीक है, यहां पर 2 हर्ट्ज पर ये 1 हो जाएगा हमारा, ये 2 देन 3 4, ऑलराइट। इसके बाद हमने 3 हर्ट्ज की अगर दी, 3 हर्ट्ज, ठीक है। अब जैसे 2 हर्ट्ज हमको चाहिए था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए, 2 हर्ट्ज की आवश्यकता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए, 2 हर्ट्ज मिल गई, और वैगिंग के लिए अगर हमको यहां पर 4 हर्ट्ज चाहिए, 4 हर्ट्ज की रेडिएशन, अभी हम कितना दे रहे हैं 3, चाहिए कितनी 4, ऑलराइट, तो 3 भी क्या होगी पास हो जाएगी, ट्रांसमिटेंस 100%, फिर यहां पे लाइन सीधी चली जाएगी। और जब हम इसको बदलकर जब हम 4 हर्ट्ज लाइट देंगे, तो 4 इसको चाहिए भी और 4 हम दे भी रहे हैं, ऑलराइट, तो 4 पर हमारा फिर एक एब्जॉर्बर नीचे की ओर आएगा और फिर ये ऊपर की ओर जाकर फिर ऐसा, इस प्रकार की कुछ पीक्स हमको आईआर स्पेक्ट्रा हमको ऐसा मिलता है, ऑलराइट। तो ये जहां पर सिंगल सिंगल पीक अलग अलग होती है, ये हमारी कहलाती है एब्जॉर्बेंस रीजन, ठीक है। और जहां पर हमारी कई सारी पीक्स, ऐसी पीक्स जहां पर हमको मल्टीपल पीक्स मिलती है, ये कहलाती है हमारी फिंगरप्रिंट रीजन। तो आईआर स्पेक्ट्रा में 2 पीक्स होती हैं, पहली एब्जॉर्बेंस पीक, दूसरी फिंगरप्रिंट पीक, फिंगरप्रिंट रीजन। एब्जॉर्बेंस रीजन में जो पीक मिलती है ये वाली पीक, इसका इस्तेमाल करके हम एक रेफरेंस चार्ट से पता करते हैं कि ये किस फंक्शन ग्रुप का स्पेक्ट्रा है, और फिंगरप्रिंट चिप को फिंगरप्रिंट रीजन में ये जो मल्टीपल पीक्स आ रही है इनका कंपैरिजन हम करते हैं जो स्पेक्ट्रम लाइब्रेरीज है उनसे, ऑलराइट। तो इस प्रकार से हम पीक्स को कंपेयर करके एब्जॉर्प्शन रीजन में जो पीक्स आई है इनको एक स्टैंडर्ड चार्ट से कंपेयर करके हम ये पता कर लेते हैं कि इतने रेडिएशन पर जो पीक्स आ रही है ये किस फंक्शनल ग्रुप की है। तो इस प्रकार से कंपेयर करके हम हमारे सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये पूरी वर्किंग है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछिए जरूर। Have a nice day. Thank you so much.